वेलकम बैक लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे फाइंड मेथड का यूज़ करके पहला मैचिंग टैग फेज किया जाता है इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइंड ऑल मेथड के बारे में हाउ टू एक्सट्रैक्ट टैग्स बाय यूजिंग फाइंड ऑल मेथड चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइंड ऑल ब्यूटीफुल सुप क्लास का एक इंपॉर्टेंट मेथड है एंड इस मेथड का यूज़ किया जाता है टू फाइंड मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर टैग इसका कब यूज़ करना चाहिए यूज़ वेन यू वॉन्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंस्टेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर टैग कंसिडर पी टैग है एंड आपको सारे पी टैक्स चाहिए प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एस टी एम एल कोड उस केस में आप फाइंड ऑल मेथड का यूज़ करेंगे सपोज ये एच टी एम एल कोड है एंड इस कोड में पाँच पी टैक् पी वन टू पी फाइव अब मुझे ऐसे पी टैक्स चाहिए जिनका क्लास पर्सनल है सो देर आर थ्री टैग्स हैविंग क्लास पर्सनल पी टू पी थ्री एंड पी फाइव जो मैंने हाईलाइट किए हैं वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट क्लास एंड आई डी इन लास्ट वीडियो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा सपोज़ मैं फाइंड मेथड का यूज़ करता हूँ तो मुझे पहला पी टैग मिलेगा विद क्लास पर्सनल दैट इज़ पी टू अगर मैं फाइंड ऑल मेथड का यूज़ करता हूँ इस फाइंड का यह स्मॉल केस में है अलगेट पी टू पी थ्री एंड पी फाइव सारे टैक्स और मैचिंग टैक्स मुझे मिल जाएंगे सो फाइंड मेथड पहला मैच ही रिटर्न करता है वेर एज फाइंड ऑल मेथड सारे मैचेस रिटर्न करता है सो so, आपको एक लिस्ट मिल जाएगा टैक्स का उस लिस्ट के ऊपर दिन आप इटरेट कर सकते बाय यूजिंग फॉर लुप टू सी वन बाय वन एलिमेंट्स और टैक्स फाइंड ऑल मेथड का सिंटैक्स सेम है एज दैट ऑफ फाइंड मेथड सिंटैक्स ऑलरेडी मैंने फाइन मेथड का सिंटैक्स एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में सो so फिर से मैं इस सिंटैक्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा एक एक्स्ट्रा आर्गूमेंट है इसमें लिमिट इस लिमिट के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा वी नो नेम टैग नेम जो हमें सर्च करना है एट्रीब्यूट्स अगर हमें एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूड करने हैं सर्चिंग में वी कैन ऐड एट्रीब्यूट्स बाय यूजिंग दिस आर्गूमेंट रिकर्सिव की वैल्यू हमेशा ट्रू रखनी है स्ट्रिंग आप स्ट्रिंग और टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हैं सो चलिए डायरेक्टली एग्जाम्पल्स देखते हैं फाइंड ऑल मेथड्स के इस एस टी एम एल कोड के ऊपर हम काम करेंगे ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए प्रोग्राम लिखते हैं टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल टैक्स प्रेजेंट इन दिस एस टी एम एल फाइल सो इस एस टी एम एल फाइल में से मुझे सारे टैक्स का एक लिस्ट चाहिए सिंपली आप फाइंड ऑल मेथड का यूज़ कर सकते हैं फाइंड ऑल मेथड को कॉल करने के लिए हमें सुप ऑब्जेक्ट चाहिए बिकॉज फाइंड ऑल ब्यूटिफुल सुप क्लास का मेथड है सो सुप डॉट फाइंड ऑल एंड मैं अर्गूमेंट पास नहीं करूंगा अगर आप अर्गमेंट पास नहीं करेंगे तो सारे टैक्स का लिस्ट आपको रिटर्न में दिया जाएगा असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल टैक्स एंड टैक्स को प्रिंट करता हूँ प्रिंट टैक्स सेव एंड रन एंड रन करने के बाद यू कैन सी अ लिस्ट हिर आपको रिटर्न में एक लिस्ट मिला है एवरी टैग प्रेजेंट इन दिस लिस्ट सोचलिए मैं सबसे ऊपर आता हूँ एंड यू कैन सी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिस्ट आंसर से पहला टैग है इंटायर एस डी एम एल टैग देन देर इज अ कामा हियर सो यहाँ तक हो गया पहला टैग देन देर इज अड टैग देन हेड टैग सो दिस इज द लिस्ट चलिए इसके ऊपर इट्रेट करते बायजिंग द फॉर लुप सो फॉर लुप लगाता हूँ मैं टैक्स के ऊपर फॉर एवरी टैग इन टैक्स प्रिंट करो टैग लेकिन इस केस में भी हमें सीधा आउटपुट नहीं मिलेगा जो हमें समझ में आ जाएगा एंड यू कैन सी कुछ इस तरीके से आउटपुट मिला मैं एक काम करता हूँ हर एक टैग के एंड में एक सेपरेटर लगा देता हूँ ताकि हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएँ सो बिफोर प्रिंटिंग द टैग और आफ्टर प्रिंटिंग द टैग मैं प्रिंट करता हूँ एक लाइन सो डैश प्रिंट करता हूँ फॉर सिक्सटी टाइम सो क्या होगा सिक्सटी टाइम डैश प्रिंट होगा एंड इससे हमें समझ में आ जाएगा कि टैग कहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड कहाँ एंड हुआ है एंड यू कैन सी नाउ सबसे पहला टैग एच टी एम एल टैग देन एस टी एम एल टैग के अंदर हेड टैग है पूरा हेड टैग हमें मिल जाएगा यू कैन सी द सेकेंड एलिमेंट हेड टैग देन हेड टैग के अंदर मेटा टैग मेटा टैग टाइटल टैग देन बॉडी टैग एंड बॉडी टैग के अंदर पहला टैग है यच वन टैग नेक्स्ट एलिमेंट इज यच वन देन पी देन अगेन पी देन अगेन पी एंड सो ऑन सो so, कुछ इस तरीके से आपको सभी टैक्स का एक लिस्ट रिटर्न किया गया सपोज मुझे पर्टिकुलर टैग चाहिए आई वॉन्ट ऑल ऑक्रेंसेस ऑफ पी टैग सो आप टैग नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं पी so, हियर इस केस में आपको सिर्फ पी टैक्स मिलेंगे यू कैन सी हियर देर आर फोर पी टैक्स एंड सभी ऑक्रंसेस प्रिंट हो गए सपोज आपको पी टैग का सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं ये जो टैग है वेरिएबल जो एक एक टैग को प्रिंट कर रहा है जस्ट उसके ऊपर लगा दीजिए डॉट टेक्स्ट एंड चलिए अब मैं प्रिंट करता हूँ इस केस में आपको सिर्फ टेक्स्ट मिल जाएगा प्रेजेंट फॉर द पी टैग पहले पी टैग के लिए टेक्स्ट है वेलकम दूसरे पी टैग के लिए ये टेक्स्ट है तीसरे पी टैग के लिए ये टेक्स्ट है एंड सो ऑन सपोज मुझे सारे एंकर टैक्स चाहिए तो so चलिए मैं रन करता हूँ एंड यू कैन सी सारे एंकर टैक्स का टैक्स मिल गया मुझे सिर्फ एंकर टैग चाहिए सो आई एम रिमूविंग दिस टैक्सट सेव करता हूँ क्लियर करके रन करता हूँ एंड यू कैन सी सारे एंकर टैक्स मिल जाए मिल गए अब मुझे सिर्फ लिंक्स चाहिए सो so, मुझे एट्रीब्यूट चाहिए एंकर टैग का सो so, एक एक टैग आएगा इस टैग वेरिएबल में टैग डॉट ए डबल टी आर एस में करता हूँ हमें पता है कि कैसे एट्रीब्यूट्स को फेज किया जाता है फ़ॉर अ पर्टिकुलर टैग बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ एंड इस केस में यू कैन सी मुझे एक डिक्शनरी मिल गया कंटेनिंग एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू सपोज मुझे सिर्फ लिंक्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आपको एवरी टाइम एक डिक्शनरी मिल रहा है फ्राम दिस टैग डॉट ए डबल टी आर एस करने के बाद डिक्शनरी मिल रहा है डिक्शनरी से हमें पता है कि वैल्यू को कैसे फेज किया जाता है बाई यूजिंग द की वैल्यू सो विल फेज द वैल्यू स्क्वेयर ब्रैकेट एंड इसके अंदर की की नेम क्या है यच रेफ है साम पासिंग यच रेफ सिंपल सेव एंड रन एंड इस केस में आपको सभी लिंक्स मिल जाएगी सो so इतनी सारी लिंक्स प्रेजेंट है इन दिस एच डी एम एल कोड अब कंसिडर मुझे सिर्फ पहले टू और थ्री लिंक्स चाहिए यहाँ पे मुझे लिमिट करना है रिजल्ट को आप लिमिट आर्गूमेंट का यूज़ कर सकते हैं सो जस्ट पास द लिमिट आर्ग्यूमेंट कॉमा लिमिट एंड आपको एक इंटीजर वैल्यू पास कर है। सपोज़ मुझे पहले टू ऑकरेंसेस चाहिए क्लियर एंड रन एंड इस केस में मुझे पहले दो लिंक्स मिल जाएगी सपोज़ मैं यच रेप को रिमूव कर देता हूँ सिर्फ टैग रख देता हूँ एंड इस केस में मुझे पहले दो मैचिंग टैक्स मिल जाएंगे सपोज़ मुझे पहले तीन मैचिंग टैग्स चाहिए आई कैन पास थ्री मुझे पहले तीन मैचिंग टैग्स मिल गए सपोज मैं वन पास करता हूँ तो मुझे पहला मैचिंग टैग मिल जाएगा बट दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ फाइंड मेथड ये काम आप फाइंड मेथड से भी कर सकते हैं अब बात करते हैं हाउ टू वर्क विथ क्लास एंड आई डी यू कैन सी हेयर इन दिस एच डी एम एल कोड देर आर थ्री टैक्स एच वन पी एंड देन अगेन पी जो क्लास इन्फो से बिलोंग करते हैं सपोज़ मुझे सारे टैक्स चाहिए जो क्लास इन्फो से बिलोंग करते हैं अगर मैं फाइंड मेथड का यूज़ करूँगा तो मुझे सिर्फ पहला मैचिंग टैग मिलेगा विच इज़ एच वन हीयर बट मुझे सारे टैक्स चाहिए मैं फाइंड ऑल मेथड का यूज़ करूँगा सो फाइंड ऑल को मैंने कॉल किया एंड आई एम पासिंग क्लास एट्रीब्यूट और क्लास अर्गूमेंट क्लास अंडर स्कोर जिसकी वैल्यू है इन्फ़ो इस केस में मुझे सारे इन्फ़ो क्लास के टैक्स रिटर्न में मिल जाएंगे एंड देन मैंने फॉर लूप करके एक एक टैग को प्रिंट किया है चलिए मैं रन करता हूँ एंड यू कैन सी एच वन क्लास इन्फो देन पी टैग देन अगेन पी टैग अब कंसिडर मुझे सिर्फ पी टैक्स चाहिए सो आई कैन राइट हीयर मुझे पी टैग चाहिए टैग नेम मैं स्पेसीफाई कर सकता हूँ पी टैग चाहिए जो क्लास इन्फो में आते हैं चलिए रन करता हूँ एंड यू कैन सी मुझे सिर्फ पी टैक्स मिल गए सारे पी टैक्स जो क्लास इन्फ़ो से बिलोंग करते हैं अब सपोज मैं आई डी का भी सर्च लगा देता हूँ चलिए आई डी भी इंक्लूड कर लेता हूँ आई डी इज़ परचेस इस केस में मुझे सिर्फ एक ही टैग मिल जाएगा विच इज़ द सेकेंड पी टैग एंड यू कैन सी हियर सो इस तरीके से आप क्लासेस एंड आईडीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप मल्टीपल क्लासेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं सो so, कुछ इस तरीके से फाइंड ऑल मेथड का यूज़ आप कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विल सी यू नेक्स्ट टाइम